स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स आज हम लोग डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू स्टार्ट करेंगे यस वन जीरो टू बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ स्टूडेंट्स डिमांड क्वेश्चन उनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आज हम ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे एंड फ्रॉम टुमोरो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ओके सो लेट्स बिगिन बिगेट न्यू न्यू क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर वन एंड टू ओके स्टूडेंट्स सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू ओके तो देखिए स्टूडेंट्स वन जीरो टू में क्या है क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स वाई एंड जेड द पार्टनर्स ठीक है इनके पार्टनरशिप हुई है एंड एक्स एंड वाई दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन इज टू टू इज टू वन ओके एंड उसमें बोला है कि जेड जो है दे जेड रिसीविंग अ सैलरी उसको क्या मिल रही है सैलरी मिल रही है ठीक है ऑफ कितने की मिल रही है सैलरी मिल रही है की पर मंथ तो हम इंटू ट्वेल्व कर लेंगे इसको क्लियर है प्लस 5 परसेंट यानी कि इसको सैलरी भी मिल रही है एंड 5 परसेंट उसको क्या मिल रहा है प्रॉफिट भी मिल रहा है बट वो प्रॉफिट कब का मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग मिल रहा है ओके okay? कब का मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी ओके क्लियर है स्टूडेंट क्वेश्चन में जो भी हमें दिया रहता है स्टूडेंट्स तो ध्यान रखिए हमेशा पहले उसको कि आप लिख लेंगे तो कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है आगे बोला गया है उसको कि एंड कमीशन ऑन और, और ठीक है इसको प्रॉफिट मिला है आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी और क्या मिला एंड कमीशन भी मिला है उसको ठीक है एंड उसको कमीशन भी मिला है कमीशन कितना मिला है स्टूडेंट्स कमीशन जो मिला है उसको वह मिला है एंड कमीशन और वन फिफ्थ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वन फिफ्थ ऑफ द प्रॉफिट यानी कि फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा ठीक है उसका वन फिफ्थ भी इसको मिला है विच एवर विज मोर यानी कि कमीशन में से या वन फिफ्थ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म में से जो ज्यादा होगा वो क्या हो मिला मिला है z को मिला है ठीक है क्लियर है उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन ने बोला है हैनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर बाय जेड इज अंडर द पार्टनरशिप डी टू बी बॉर्न बाय एक्स यानी कि इससे ज्यादा जो भी रिसीव होगा उसकी भरपाई कौन करेगा एक्स करेगा ठीक है उसके बाद क्या बोला है हमें कि द प्रॉफिट फॉर ठीक है प्रॉफिट दिया गया है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया गया और बोला गया डिविजुअल प्रॉफिट के लिए ठीक है तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि इसमें करना क्या है पी अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ठीक है पी अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसमें बनाएंगे क्लियर है ठीक है पिनल आपको पता है ये डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है दिस इज पर्टिकुलर्स दिस इज अमाउंट दिस इज पर्टिकुलर्स एंड दिस इज अमाउंट अगेन एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड ओके चलिए ओके अब देखते हैं इसमें हमको क्या बोला है तो पहले क्या इसमें हम देखते हैं कि अब सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ हम है हम लोग यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफ़िट ठीक है बाय पी एन एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट और प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है स्टूडेंट प्रॉफिट हमें दिया गया है वन लैख ट्वेंटी एट फाइव ट्वेंटी वन लैख ट्वेंटी एट फाइव ट्वेंटी हमने इसको बाहर कॉलम में क्यों नहीं लिखा क्यों क्योंकि Z को सैलरी भी मिल रही है वो भी क्या होगा इस प्रॉफिट का पार्ट है तो जो Z की सैलरी है वो भी क्या हो जाएगा इसमें एड हो जाएगा इसको सैलरी कितनी मिल रही थी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर मंथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ना कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर एट्टी क्लियर है तो इसको हम जब एड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा ठीक है ये कितना आ गया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड जो है इसका अमाउंट आ गया चलिए आगे देखते हैं अब क्या बोला है कि कैपिटल ओके okay, अब देखिए इसमें सब कुछ निकालने से पहले अब हमें कुछ वर्किंग नोट पे ध्यान देना है वर्किंग नोट देख लेते हैं क्या है कि देखिए जो प्रॉफिट था वो अगर हम बोले कि बिफोर जेड सैलरी एंड कमीशन वो कितना था स्टूडेंट जेड की सैलरी से और कमीशन से पहले जो प्रॉफिट था कंपनी को वो कितना था डेढ़ लाख था इसमें से हम क्या करेंगे अगर हम Z की सैलरी माइनस कर देते हैं Z की सैलरी माइनस कर देंगे ठीक है यानी कि ट्वेंटी वन फोर एट्टी तो ये आफ्टर आ गया ठीक है प्रॉफिट आफ्टर आ गया ना ठीक है अब क्या बोला गया था कि जो प्रॉफिट आफ्टर है उस पर क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा देखिए हमने ऊपर लिखा भी था कि फाइव परसेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी क्लियर है ना दिख रहा है ना स्टूडेंट्स ठीक है तो चलिए इसको हम ये भी कर लेते हैं कि ये कैसे होगा आ, तो इसको भी हम क्या करेंगे लेस करेंगे जेट्स कमीशन आफ्टर था तो कितना हो जाएगा फाइव अपॉन हंड्रेड एंड फाइव वन टू एट फाइव टू जीरो तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स में इसको कट करेंगे ये आ जाएगा सिक्स तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये टू जीरो ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है क्लियर है ये समझ आया आप लोगों को अब देखते हैं अब उसने क्या बोला जेड इज अ मैन इफ जेड इज अ मैनेजर विल रिसीव उसको क्या आप देखिए सैलरी भी मिल रही थी देखिए हमने यह लिखा था ना सैलरी भी थी उसके पास ठीक है और उसको कमीशन भी था ठीक है तो अब देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स सैलरी कितनी थी जेड की हम जेड का काउंट करेंगे जेड एज मैनेजर ठीक है तो सैलरी कितनी थी ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर एट्टी कमीशन कितना मिला उसको प्लस कर देंगे कमीशन भी प्लस करेंगे उसका कितना मिला उसको सिक्स थाउजेंड रुपीज सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी हमने निकाल लिया था यहाँ पे कमीशन भी हमको मिल गया तो ये कितना हो गया ये हो गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्लियर सारी चीजें मिली लेकिन Z as a partner उसको उसका क्या रहा Z एज अ पार्टनर भाई हमारा प्रॉफिट कितना था वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का था ठीक है अभी हमने निकाला वन लाख फिफ्टी थाउजेंड कैसे आया ठीक है इसका हम क्या करेंगे वन फिफ कर देंगे क्योंकि उसको क्या बोला था वन फिफ्थ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्योंकि इसने बोला जो दोनों में से विच एवर इज मोर ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं विच एवर इज मोर ही बोला था ना उसने विच एवर इज मोर यस ठीक है तो हम ये भी निकालेंगे वन फिफ्थ निकालेंगे इसका तो ये कितना आ जाएगा थर्टी थाउजेंड आ जाएगा ठीक है तो एक्सेस यानी कि एक्सेस हो गया भाई ये तो ज्यादा हो गया ना भाई जो ये कमीशन जो कमीशन और सैलरी को मिला के उतना नहीं आया जितना उसको ने क्या किया प्रॉफिट का जो वन फिफ्थ निकाला वो एक्सेस हो गया कितना एक्सेस हुआ ये भी हम निकाल लेते हैं तो ये हमारा ट्वेंटी फोर हंड्रेड क्या हो गया इसको ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा एक्सेस रिसीव्ड बाय जेड एज अ पार्टनर ठीक है उसके बाद क्या बोला था एक्सेस आ गया थर्टी ठीक है हमने निकाल लिया एक्सेस कितना है ट्वेंटी फोर हंड्रेड हमारा एक्सेस आ चुका है यहाँ पे ठीक है अभी हमने निकाला है ट्वेंटी फोर हंड्रेड अब उसके बाद क्या बोला था कि जो एक्सेस आएगा दिस एक्सेस अमाउंट कितना है ट्वेंटी फोर हंड्रेड हमारा रुपीज ट्वेंटी 24, फोर था ट्वेंटी फोर हंड्रेड ये क्या हमारा एक्सेस अमाउंट है एंड दिस एक्सेस अमाउंट विल बी डिडक्टेड कहा था ना कि इसको कौन इसकी भरपाई करेगा विल बी डिडक्टेड किसके में सो जाएगा फ्रॉम एक्स

ठीक है क्यों क्योंकि ये सब कुछ निकालने के बाद जो आया है वही कैपिटल बची है हमारी ठीक है तो कैपिटल पे निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा इसको हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एट्टी वन सिक्स हंड्रेड अब इसमें से क्या करना है लेस करेंगे कौन सा जो Z का अमाउंट था गिवन टू Z जो उसने Z को दिया कितना दिया हमने यहाँ पे लिखा था ठीक है कितना आया था हमारा ट्वेंटी फोर हंड्रेड इसको हम ट्वेंटी फोर हंड्रेड यहाँ लिखेंगे लेस करेंगे लेस करने पे कितना है सेवेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड क्लियर है स्टूडेंट्स इसके बाद अब वाई की कैपिटल भी लिखेंगे टू वाइस कैपिटल वाइस कैपिटल अकाउंट उसका कितना था वन बाई थर्ड ऑफ वन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड तो इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है क्लियर है ओके अब देख लेते हैं इसमें कितना बैलेंस कर लीजिए यह आ गया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है ये भी हो गया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अब इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पे कितना आएगा यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं सेवेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड और फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड वन लाख ट्वेंटी आ गया वन लाख ट्वेंटी में से हम तो ये किसका आ जाएगा जेड्स की कैपिटल आ जाएगी जेड की कैपिटल कितनी आएगी वन लाख ट्वेंटी को हम क्या करें वन लाख फिफ्टी से माइनस कर देंगे कितना बैलेंस आ गया थर्टी थाउजेंड आ गया तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या गया? हो गया बैलेंस हो गया ओके स्टूडेंट्स आई होप कि आपको दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू एवरी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा अगर कोई ऐसे पॉइंट हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से करिएगा सो दैट्स फॉर ऑल टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू